हाय व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी, आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको को फाइलेरिया को ठीक करने के लिए एक घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। अब चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप पूरा एंड तक देखने से आपको अच्छा सा जानकारी मिलने वाली है। अब मैं बताने वाली इस घरेलू नुस्खे को यूज करके आपका हाथी पाँव को ठीक कर सकता है। पहले इस वीडियो में आपको मैं इस हाथी पाँव को ठीक करने के लिए खाने वाली दवा के बारे में बताने वाला हूँ, तो दूसरी वीडियो में लगाने वाली एक लेपन को कैसा बनाना है वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है, ये है गुड़ूची। गुड़ूची का पत्ते की जरूरत पड़ता है। इस गुड़ूची को संस्कृत में अमृतवल्ली और तेलुगु में तिप्पतिगा बोलता है। तो अभी हमें इस गुड़ूची को यूज़ करके, यानी गुड़ूची का पत्ते को यूज़ करके, और इसके साथ ये है, ठीक है, और आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, यह है सेंधा नमक, ठीक है। तो पहले इस आपको इस फाइलेरिया का ठीक करने के लिए गोली, यानी खाने की गोली बनानी पड़ती है। इस गोली को बनाने के लिए आपको 5 इस गुड़ूची का पत्ते को लीजिए पहले। तो देखिए, 1 2 3 4 5, सो साइज कैसा भी होने दो, पहले आप एक 5 गुड़ूची का पत्ते को लीजिए और ऐसा कूट पीस करके इसको अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लीजिए। ठीक है, आप अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए ये सब करके दिखा रहा हूँ। आप अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लीजिए पहले इसको, ठीक है, और थोड़ा टाइम लेकर बना लीजिए। अब इसमें आप चून को 1 चम्मच डालनी है और इसमें 1/4 टीस्पून सेंधा नमक डालनी है, ठीक है। अभी इसे अच्छा सा फिर से कूट पीस करके गोली बनाने के लिए दवा जैसी बना लीजिए। तो देखिए, तो आप अच्छा सा थोड़ा टाइम लेकर इसे बनानी पड़ती है। तो देखिए, अब इससे अपने को गोली बना सकता है। तो देखिए, ऐसा एक मटर मटर की साइज, देखिए मटर का साइज का गोली बनाकर रखनी पड़ती है। तो देखिए, पूरा इस दवा को ऐसा मटर का जैसा, यानी मटर का साइज का गोली बनाकर रखनी है। देखिए, ऐसा बनाकर रख लीजिए। तो आपको इस गोली को सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली 1 ग्लास गर्म पानी के साथ लेना है, ठीक है। इस गोली को खाकर 1 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। ऐसा रोज करनी है। ऐसा रोज करने से आपको थोड़ी दिन में फर्क, यानी इस फाइलेरिया की साइज में और सूजन में, जलन में, स्वेलिंग में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। और लगातार थोड़ी दिन कंटिन्यू करने से आपका इस फाइलेरिया पूरी, यानी जड़ से ठीक होने वाली है।
और ऐसा बहुत नुस्खे हैं इस आथीपाव को ठीक करने के लिए, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।